हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मीठी टिकियां। इसके लिए 2 कप मैदा ली हूँ मैं, 1 कप ड्राई कोकोनट को इस तरह से पीस के रख ली हूँ। आप चाहते हैं तो डेस्टिनेट कोकोनट पाउडर आता है ना, उसको भी यूज कर सकते हो। 2 कप मैदा लेंगे तो 1 कप नारियल का बुरादा लेना है, नारियल को पीस के रख ली हूँ। और तिल 2 स्पून ली हूँ, 3 स्पून घी ली हूँ, आधा आधा कप सूजी है, बारीक सूजी है। पाउडर चीनी को पाउडर करके इसी में 4 इलायची डाल के पाउडर करके 1 कप चीनी पाउडर ली हूँ, 1 कप दूध ली हूँ, जितना लगेगा दूध उतना ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक बाउल लेके इसमें पाउडर चीनी और सूजी, मैदा, ड्राई कोकोनट और सफ़ेद तिल, अभी मैं बेकिंग सोडा भूल गई थी, इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ली हूँ, ये ऐड कर देंगे। इसमें घी ऐड कर लेंगे। ये सारे चीज़ों को ड्राई अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। देखिए मिक्स करने के बाद गरम करके ठंडा किया हुआ दूध है ये, इसको ऐड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए, एक ही बार में मत ऐड कीजिए, इसको मिक्स करते जाएंगे। देखिए अच्छा टाइट डो बना के रख ली हूँ, मुझे बस आधा ही कप दूध लगा है, आधा कप बच गया है। एक ही टाइम में मत डालिएगा आप, थोड़ा थोड़ा करके डाल के इस तरह से टाइट डो बना के रख लेना है। इसको कम से कम 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे रेस्ट होने के लिए। देखिए इसको 10 से 15 मिनट हो गया है रख के, अभी हम इसके 2 पार्ट्स बना लेंगे इस तरह से। इसको अच्छे से एक बार मिक्स करके अच्छे से एक बार अच्छे से मल लेंगे इसको। देखिए ना ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा, बस इसकी थिकनेस इतनी रखनी है। इस तरह का एक चम्मच लेके इसके ऊपर इस तरह से होल्स रख लेंगे, क्योंकि ये फूले नहीं उसके लिए। देखिए सारे पे चम्मच से होल बना ली हूँ मैं। इस तरह से कोई भी एक ग्लास लेके इस तरह से टिकिया कट करते जाएंगे हम। देखिए सारे इस तरह से कट्स लगाने के बाद एक्स्ट्रा आटा होता है ना, इसको हटा देंगे। देखिए एक्स्ट्रा आटा हटा दी हूँ, इसको फिर से बेल सकते हैं हम। इस तरह से टिकिया एक एक निकालते जाएंगे, देख सकते होंगे इसकी थिकनेस इतनी रहनी चाहिए। मैं तेल को पहले से गर्म होने के लिए रख चुकी थी। तेल एक बार गर्म हो जाने के बाद आपको लो टू मीडियम में रख लेना है फ्लेम को, हाई फ्लेम में नहीं तलना है इसको। हाई फ्लेम में तलेंगे तो ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अभी फ्लेम कम कर लूंगी मैं, तेल गर्म हो गया है, इसको डालते जाएंगे केक को। देखिए एक बार तेल मीडियम हीट होने के बाद लो फ्लेम में रख चुकी हूँ इसको। एक एक टिकिया को मैं हल्के से देखिए इस तरह से पलट कर तलते जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा मीडियम फ्लेम में ही तलना है आपको, लो टू मीडियम में। देखिए एक साइड से हल्के ब्राउन हो गए हैं, उसी साइड भी पलट रही हूँ, इसी तरह से हल्के गोल्डन ब्राउन कर लेंगे इसको भी। देखिए दोनों साइड से तल गए हैं, अभी हम इसको निकाल लेंगे। देखिए बचे हुए आटे में भी इस तरह से बना के रख ली हूँ मैं, जितने भी इसी तरह से हम तल लेंगे। देखिए दोस्तों मैं सारे तल ली हूँ, अभी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत आसान रेसिपी है। देखिए एक बताती हूँ आपको मैं, ये कितने खस्ते और कितने अंदर से सॉफ्ट बने हैं, ऊपर से कितने खस्ते हैं। अभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।